नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मेरा नाम है आकाश पांडे और आज ही आई है एक बहुत सनसनी खबर जो एक चिंगारी की तरह पूरे राज्य में फैल चुकी है, पूरे शहर में फैल चुकी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक अस्पताल फोर्टिस अस्पताल में यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट होता था और उसके बाद उसकी बेचने की फरोशी होती थी। इस बात का प्रूफ दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पहले पेज पर दिया गया है, जहाँ पर लिखा है कि जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में लोगों को लाते किडनी निकाल गुरुग्राम भेजते और अंतर्राष्ट्रीय रैकेट को पकड़ा है। असल में माजरा क्या है ये हम आपको बताते हैं। असल में माजरा ये था कि हरियाणा सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने गुरुवार के दिन गुरुग्राम में एक होटल में छापेमारी की। बाबिल पैलेस होटल के गेस्ट हाउस के अंदर उन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद उन्हें एक मरीज मिला। मरीज का नाम था मोहम्मद शमीम। इस मरीज को पकड़ने के बाद पता चला कि ये बांग्लादेशी है। बंगाल के अंदर इसकी एक फ़ोन की दुकान है छोटी सी, और वहाँ से इसने रांची में किसी को कॉन्टैक्ट किया था। रांची में जिसको कॉन्टैक्ट किया था उसका नाम था मोहम्मद अंसारी। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो लोग इसको यहाँ जयपुर में लाए। जयपुर में लाने के बाद उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके डे केयर के लिए उस आदमी को गुरुग्राम में छुपा रखा था, रख रखा था। जब छापेमारी की और पता चला कि उसके साथ और चार लोग हैं जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला था, दो का हो चुका था, दो का होने वाला है, इस प्रकार की खबर दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर। फॉरेस्ट जो ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल, इसके अंदर इस प्रकार का ट्रांसप्लांट प्लान किया गया था। बाबिल पाल होटल के जो रोहित हैं, जो उसके संचालक है, उसके साथ जितने भी लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और टीम मोहम्मद अंसारी को ढूंढने में लगी है। उसके साथ और चार लोग हैं, मतलब ये कुल चार जनों की टीम थी। मोहम्मद अंसारी के साथ तीन लोग हैं जिनको ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ऐसी खबर दैनिक भास्कर ने 1 अप्रैल को छापी थी, जिसमें उसने बताया था कि कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर शरीर के किसी अंग की चोरी की बात चल रही है, किसी अंग का ट्रांसप्लांट हो रहा है या फिर खरीद फरोशी की जा रही है। और अब उस मामले को क्लियर कर दिया है। गुरुवार के दिन छापे मारा जिसके अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था और यहाँ से ही इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करने की कोशिश की, परंतु यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक कोई जवाबदेही इंसान मौजूद नहीं है जिससे बात की जाए। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।